साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखे, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज रूबी सिटी स्कैन के ऊपर मोची कॉर्नर। मंच पे तशरीफ फरमा पार्टी के तमाम ही छोटे बड़े जिम्मेदारान मेरे सामने तशरीफ फरमा, तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, आज हमारे बीच शेख निसार राशन वाला साहब नहीं है, हमारे पार्टी के एक अहम जिम्मेदार जो पिछले दिनों एक्सीडेंट के अंदर उनका और उनके बच्चे का इंतकाल हुआ, मैं पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, तमाम ही जिम्मेदारान की तरफ से अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। दोस्तों और साथियों, आज मुझसे पहले तमाम ही मुकर्रीन ने अपनी अपनी बातों को रखा और ये मीटिंग असेंबली के इलेक्शन को सामने रखकर लायमाल तैयार करने के लिए बुलाई गई और कुछ अहम फैसला लेना है। मैं सबसे पहले हमारे तमाम ही कार्यकर्ताओं का, तमाम ही वर्करों का, तमाम ही जिम्मेदारान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि एक जबरदस्त बेदारी आप लोगों के अंदर मुझे नजर आ रही है। ये मीटिंग ना कोई आपको बोलने के लिए नहीं आया, आपको दावत देने नहीं आया, बल्कि आपको ऑफिस से फोन आया, व्हाट्सएप पे आपने पढ़ा और आप चले आए। ये बेदारी नजर आ रही है, जो मजमा यहाँ पर है, अंदर भी है, बाहर भी है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और अगर ये बेदारी अगर आप लोग असेंबली इलेक्शन तक बरकरार रखेंगे, पेटी बंद होने तक, तो इंशाल्लाह असेंबली का चुनाव हमारा होगा और हम जीतेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पेटी बंद होने तक बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे। मुझे यहां बहुत ज्यादा भाषण नहीं करना है, लेकिन तमाम ही वोटरों से, तमाम ही कार्यकर्ताओं से, जिम्मेदारान से मैं अपील करता हूं कि यह हमारा अपना शहर 3 लाख से ज्यादा वोटों का हमारा अपना हलका है और हमारा शहर 7 लाख ज्यादा, 7 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर हमारा हो चुका है। मीडिया के तमाम ही साथी है, मैं उनको आज ही दावत दे रहा हूं कि 25 अगस्त को ये शहर को किसने, किसके पास गिरोह रखा है, गिरोह ये शहर को कोई और चला रहा है। तो 25 तारीख को एक बड़ा स्क्रीन लगाकर शहर के तमाम ही मसलक के, तमाम ही हमारे तालीमी याफ्ता, तमाम ही बुनकर, तमाम ही टीचर्स, तमाम ही शहर के मजदूर और तमाम ही शहर की आवाम के सामने बड़ा स्क्रीन लगाकर बताऊंगा कि ये शहर 2 सालों से कौन चला रहा है और किसने किसको गिरोह रखा है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज ही दावत दे रहा हूँ। और ये शहर को भी मानना पड़ेगा, यहाँ के मीडिया को भी मानना पड़ेगा और यहाँ के शहर के तमाम ही हिंदू मुसलमानों को मानना पड़ेगा कि शहर किसके हाथ में गिरोह है और कौन चला रहा है।
तमाम ही कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि इलेक्शन ये बहुत अहमियत का इलेक्शन है और ये इलेक्शन में आप लोगों को शोर मचाकर रास्ते के ऊपर आकर जलसा और जुलूस के अंदर आकर आप लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना है। आपको ये इलेक्शन होम टू होम जाकर, घर घर जाकर, गली के अंदर रहकर, मोहल्ले के अंदर रहकर, रिश्तेदारों के अंदर रहकर, दोस्तों के अंदर रहकर, एक दूसरे को बोलकर, एक दूसरे कन्विंस कर वोट मांगना है और मजबूती के साथ हम लोगों को फील्ड के ऊपर जमकर हमको ये इलेक्शन लड़ना होगा। आमतौर पर हमने देखा कि हमारी हार की वजह हमने जब तलाश की पिछला इलेक्शन हम क्यों हारे, ये 5 साल हमने तजुर्बा लिया, समझा और नतीजा ये आया कि हम लोग स्कूल के बाहर रास्ते पर जलसे के अंदर जुलूस के अंदर मोर्चा निकाल कर हम लोग रास्ते पर रहते हैं और हमारे मुखालिफ पार्टियां घर तक रहती है, गली तक रहती है, इसके लिए हम लोग इलेक्शन हार जाते हैं। तो अब हमको जलसा जुलूस रास्ते के ऊपर आकर नहीं, घर घर जाकर एक दूसरे को बोलकर पोलिंग बूथ पर ले जाकर हम लोगों को इलेक्शन लड़ना है और जब ही हम जीत सकते हैं इलेक्शन, जब ही हम लोग जीत सकते हैं जब आप लोग का साथ रहा, आप लोग घर घर जाएंगे, आप लोग गली मोहल्ले में जाएंगे, जब जाकर हम लोग इलेक्शन जीत सकते हैं, न तो ऐसे इलेक्शन हम लोग नहीं जीत सकते। सोशल मीडिया हमारा कमजोर जरूर है लेकिन आने वाले चंद दिनों के अंदर इंशाअल्लाह हमारा सोशल मीडिया मालेगांव शहर के अंदर सबसे बड़ा सोशल मीडिया होगा और सबसे पावरफुल सोशल मीडिया होगा। आपको नजर आएगा, शहर को नजर आएगा। आज भी मैं मानता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर वर्करों की फौज सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर, सबसे डेरिंग बाज, सबसे बहादुर, अगर किसी के पास फौज है तो यह हमारे पास है, आपके पास है, बात याद रखना। आप किसके पास फौज नहीं है, आप अगर सिर्फ दम देंगे तो भाग जाएंगे, आप लोग इतने बहादुर हो, इतनी बड़ी फौज, इतने ज्यादा वर्कर किसी के कोई पार्टी के पास नहीं है, सिर्फ मुजोर लोग है, वो मुजोर सिर्फ मुजोर है। तुम काम भी करते, आवाम का काम भी करते और तुम बहुत बहादुर है, तुम किसी चौक के अंदर खड़े रहकर अपनी बहादुरी बताओ, आपको खुद आपकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। एक वर्कर के साथ अगर कुछ गलत होता है तो दूसरे वर्कर ने उसका उसको दूर से नहीं देखना चाहिए। एक वर्कर के साथ कोई गलत करता है तो एक चौक में अगर कोई वर्कर के साथ गलत होता है, 100 वर्कर उसके साथ खड़े हो जाओ और उनका बहादुरी से मुकाबला करना पड़ेगा तुमको। पोलिंग बूथ के ऊपर कोई दादागिरी करेगा एक वर्कर के साथ तो आपको भी 100 नहीं 500 खड़े रहकर उसका मुकाबला करना पड़ेगा। वो सिर्फ मुजोर है, आपसे वो मुकाबला नहीं कर सकते, मैं आज आपको बोल रहा हूं। आपने अपनी ताकत कभी तक अंदाजा ही नहीं लगाया। जिस दिन आपको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, यह शहर के अंदर सिर्फ हमारा राज होगा, हमारा, हम इख्तदार करेंगे, हम शहर का विकास करेंगे, शहर का डेवलप करेंगे,
शहर के अंदर सबको साथ लेकर चलेंगे। आप अपने अंदर अपने ताकत का अंदाजा आप लगाना सीख जाओ। यकीन जानो शहर के एमएलए ने कोई काम नहीं किया, शहर को ले जाकर बेच डाला है, शहर को गिरो रख दिया है। ये बात आवाम को बोलना पड़ेगा। मैं 25 तारीख को तो पूरा पोस्टमार्टम करूंगा, पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। और न तो याद रखना, अगर हमने ये शहर के अंदर, ये शहर की आवाम से मेरी अपील है, शहर की आवाम से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर इस मरतबा शहर ने कोई गलती कर ली तो आने वाली नस्ल ये शहर की आवाम को कभी माफ नहीं करेंगे। हमारी नस्ल, ये हमारा शहर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में ये एक ऐसा शहर है जहां पर मुस्लिम मेयर होता है हमेशा आजादी के बाद से, स्टैंडिंग चेयरमैन होता है, सबसे ज्यादा कारपोरेटर होते हैं। यह अलग बात है कि शेख रशीद साहब और हमारी पॉलिसी रही कि हिंदू भाई, दलित भाई आदि सबको साथ लेकर चलने की, लेकिन आज ये शहर जिस मोड़ पर खड़ा है, जिस जगह खड़ा है, आने वाली नस्ल कभी माफ नहीं करेगी। अगर एक जाहिल, एक सियासी आदमी अगर बीजेपी को वोट दे देगा तो उसका बायकॉट, सामाजिक बायकॉट होगा। ये शहर इतना बेदार शहर है। लेकिन एक आलिम वोट दे देता है बीजेपी को एमएलसी चुनाव में, राज्यसभा में, ये शहर खामोश है, देख रहा है। ये बहुत ताज्जुब की बात है, बहुत अफसोस की बात है। नीतीश राणे मालेगांव के किले के ऊपर आ जाता है, वहां से ऐलान करता है कि यहां की बस्ती उखाड़ दूंगा, शहर को बर्बाद कर दूंगा, लैंड जात के नाम पे असेंबली के अंदर बोलता है, और यहां का एमएलए खामोश रहा। असेंबली का इजलास 12 जुलाई को खत्म हुआ, एक लफ्ज ये शहर के एमएलए ने नहीं बोला। इतना डरपोक ये शहर को बना दिया गया, इतना डरपोक एमएलए शहर को मिला, उसके बाद भी ये शहर खामोशी से देख रहा है। बहुत ताज्जुब है, बहुत ताज्जुब है। एक वजीर 40 गांव फाटे के ऊपर कुरैश जमात के लोग, जो उनका धंधा व्यापार है, वो जानवर लाते हैं, एक वजीर रोक लेता है। हमारे शहर का एमएलए खामोश है, इतना बुजदिल ये शहर को बना दिया गया, इतना बुजदिल एमएलए है, उसके बाद ये शहर खामोश है। क्या वजह ये शहर खामोश है? ये मस्जिद और मीनारों का शहर, ये तहरीकों का शहर, बड़ी बड़ी तहरीकें इस शहर ने चलाई, ये शहर ने हिंदुस्तान के अंदर आजादी दिलाई, ये मालेगांव को आजाद किया, वो शहीद, ये वो शहर से हम हैं, और आज इतना बुजदिल ये शहर हो गया। एक वजीर गाड़ी रोकता है, कम से कम एक प्रेस में नहीं बोला जाता, असेंबली में नहीं बोला जाता, एक मेमोरेंडम नहीं दिया जाता, अनेक मॉब लिंचिंग ये शहर के अंदर हो गई, अनेक लोगों को बहन के मारा गया, उसके बाद ये शहर का एमएलए खामोश रहा, और शहर देखते रहा, देख रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। कब ये शहर बेदार होगा? कब ये शहर सियासी फैसला लेगा? अब वक्त आ गया है सियासी फैसला लेने का।
इस शहर को मैं याद दिलाना चाहता हूं, अली अकबर ग्राउंड के ऊपर असेंबली के इलेक्शन के वक्त असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे और उनके बुजदिल उम्मीदवार के लिए कहा कि मेरे तरफ मुंह देखकर वोट दो, मैं हर दो महीने तीन महीने पर मालेगांव आऊंगा। 5 साल मुकम्मल होने पा रहे, अवैसी साहब तुम नहीं आए, लेकिन ये शहर ने कभी सवाल नहीं किया। अब आएंगे, फिर जज्बाती बातें, फिर कौम और मिल्लत। लेकिन अवैसी साहब, आपने कभी तुम्हारे एमएलओ से नहीं पूछा कि तुमने बीजेपी को क्यों वोट दिया, तुमने राज्यसभा में बीजेपी को क्यों वोट दिया, एमएलसी का क्यों वोट दिया। कब पूछोगे तुम? टिकट तो दोगे लेकिन सवाल नहीं करेंगे, इसका जवाबदार कौन है? शहर कब सवाल करेगा? मैं बहुत फिक्रमंद हूं। एक वक्त आएगा कि फिरका प्रेस अंदर घुसकर जुल्म करेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे। अगर ऐसा बुजदिल एमएलए शहर को मिला वापस तो, और हुआ क्या हुआ ये 2 सालों से? क्या हुआ? हम किसी धर्म के खिलाफ शेख आसिफ नहीं है, यह शहर कोई धर्म के खिलाफ नहीं है। अगर कोई देवी की यात्रा जाती तो हम उसके खिलाफ नहीं है। कल भी जा रही थी, आज भी और कल भी जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन 2 सालों से एक वजीर का लड़का हजारों लोग को लेकर शहर से गुजर रहा है, रमजान महीने में तरावी की नमाज हो रही है, अजान हो रही है, ये शहर ने कभी नहीं पूछा और ना ये एमएलए ने कभी पूछा, कभी नहीं पूछा गया, किसी ने सवाल नहीं किया। मैं कुल जमाती तंजीम से भी आज मेरा सवाल है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, कुल जमाती तंजीम के मैं खिलाफ नहीं हूं। अगर आप नुमाइंदगी करते तो आज आप पर भी वक्त आया है कि 5 साल का हिसाब इस एमएलए से आपको लेना पड़ेगा। कब आप सवाल करोगे? कब यह शहर बेदार होगा? अब यह शहर को बेदार करने की जिम्मेदारी हम उन पार्टियों से हमको नहीं है उम्मीद जिन्होंने तलवे चाटे वजीर के, जिन्होंने चप्पल संभाली सीएम साहब की, उनके वर्करों से हमें उम्मीद नहीं है, आपसे मुझे उम्मीद है। शहर आपकी तरफ देख रहा है, आपको सवाल करना पड़ेगा, चौक चौराहों पे बताना पड़ेगा, ये शहर आपकी तरफ देख रहा है। आज मैं बोल रहा हूं, एक पार्टी का उम्मीदवार हो, दो का हो, तीन का हो, चार का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम कैसे मजबूत होंगे इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। ना हमने कल उनके सारे इलेक्शन लड़ा और ना आज हमें उनके सारे इलेक्शन लड़ना है। हमारे दम पर, हमारी ताकत पर, शहर के आवाम के भरोसे और अल्लाह भरोसे हमको इलेक्शन लड़ना है, किसी के भरोसे या नहीं लड़ना है। हो सकता कितनी भी पार्टियां इलेक्शन लड़े ना लड़े, इससे पहले भी मैं बोला करता था, बहुत तकलीफ होती। डायमंड लाउंज से मैं कहा कि पांडे की टाकी को एमसी ले, लेकिन वो लीकेज खत्म नहीं हुआ था। आज 4 बजे लीकेज पूरा पूरा पैक हो गया, आज 4 बजे। अरे जिनकी जिंदगी चली गई वर्करी करते हुए किसी की, वो क्या हमारे सामने असेंबली का इलेक्शन लड़ेगा? नहीं लड़ सकते। कल भी वर्करी, आज भी वर्करी और कल भी वर्करी करेंगे। आज बोल रहा हूं, आज 4 बजे फिनिश।
अभी मेरी तकरीर के बाद फिर शुरू होगा, इसको कैसे पता चला? सुबह ही मालूम पड़ गया था, क्या 4 बजे बैठक। सौदा एक सीआर, 2 सीआर, मेयर, चेयरमैनशिप, जो भी सौदा हुआ होगा अभी वो बाहर नहीं है, आएंगी। ठीक है, कम से कम निहाल अहमद साहब की इज्जत तो ये समाजवादी वाले ने रखे, लड़की तो रख रही, लड़की इज्जत बचा रही। निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब, जो महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर, जो महाराष्ट्र की सरकार में एक वक्त कैबिनेट मंत्री, उनकी तोती बोला करती थी महाराष्ट्र के अंदर, ये हमने भी देखा सुना। '19 के अंदर उन्होंने भी वर्करी कर डाली थी। अगर निहाल साहब हयात होते तो निहाल साहब वर्करी करने नहीं देते। ठीक है, इन्होंने तो वर्करी करना छोड़ दिया, ऐसा मुझे आज लगता है, कल का भरोसा नहीं। 9 क्रांति दिन जरूर है, कोई नई क्रांति ना हो जाए कि फिर वर्करी का ऐलान हो जाए। 9 अगस्त क्रांति दिन जरूर है, लेकिन कोई नवी क्रांति ना हो जाए कि इनको भी वर्करी करना पड़े। अब मैंने तो ये ऐलान किया हूं कि टिकट मिले ना मिले, और मैं आज वापस बोल रहा हूं, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूं मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने, मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी का टिकट मांगा नहीं। कभी भी कांग्रेस पार्टी के लीडरान को मैंने ये नहीं कहा कि मुझको आप टिकट दो या आपकी पार्टी मिलो, और ना मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कहा कि आप मुझे टिकट दो। मेरा यह मानना है, हार और जीत की कोई परवाह ना मैंने कभी किया और ना इंशाल्लाह आइंदा करूंगा। शेख रशीद साहब बोला करते थे, इसी जगह पर बोले थे शेख रशीद साहब ने 2014 में मेरी गैर मौजूदगी में, जब शेख रशीद साहब ने वर्करों की मीटिंग बुलाई और शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं आसिफ का इलेक्शन लड़ाना चाहता हूं असेंबली, तो कई वर्कर बीच में उठे, कई साहब के दोस्त उठे, उन्होंने मुखालफत की कि शेख आसिफ नहीं चलेगा। साहब का क्या जुमला था, अबे आज वक्त है, बोले मैं उसको खड़ा करूंगा, इतना ही होगा ना, बोले हार जाएगा, लेकिन आज उसको नहीं खड़ा करूंगा तो कब। और अल्लाह ने मुझको कामयाबी दी और पहली मर्तबा मैं खड़ा हुआ और एमएलए बना। तो ये शेख रशीद साहब ने सिखा के गए हमें, हार और जीत की परवाह नहीं है। और मेरा ये मानना है, क्या हमारी ताकत जितनी बढ़ा लो, हमारी ताकत जितनी ज्यादा होना चाहिए कि मुंबई से और दिल्ली से चल के टिकट तुम्हारे पास आए, इतनी ताकत की। और मैं कभी भी टिकट मांगने कहीं जाऊंगा नहीं, ये दोबारा बोल रहा हूं, चाहे सोनिया गांधी का फोन आए, राहुल गांधी का आए, महाराष्ट्र के लीडरान का है, कहीं टिकट मांगने जाऊंगा नहीं, और न मैं कांग्रेस से कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, ये आज आज साफ बोल रहा हूं। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं कि 90% आज ये जहन में आप बैठा लो कि हमको आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना है, आजाद उम्मीदवार बनाऊंगा मैं एक बड़ा प्लेटफार्म, तैयारी चालू है मेरी, कई लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूं, कई लोग मेरे साथ आने के लिए तैयार है। ये देख लो इतनी बड़ी फौज बैठी है, कमी है क्या? ये बैठे हुए है, इतनी बड़ी फौज है, एक प्लेटफार्म हम जरूर बनाएंगे।
लेकिन 90% ये ज़हन बना लो कि हमको आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव मैदान में उतरना है और लड़ना है और इंशाअल्लाह जीतना है। यह आपके बदौलत मैं बोल रहा हूँ। क्या कोई कुछ भी बोलता है कि मैंने टिकट मांगा, मैंने टिकट मांगा, ना आप है और ना मैं हूँ। कमज़ोर है नहीं हम, अल्लाह का करम है। आवाम के काम करते, गरीबों के काम करते, एक भीख मांगने वालों का भी काम करते, एक माँ का भी काम करते, एक बहन का भी काम करते, एक बेवा का भी काम करते, एक विधवा का भी काम करते हम। उनकी दुआएं है, उनका साथ है, इसलिए मजबूत है। सिर्फ अमीरों का काम नहीं करते। और मुझे इस शहर के आवाम पे पूरा भरोसा है। इस मरतबा चाहे वो कोई भी समाज, कोई भी बिरादरी, आजकल बिरादरीवाद चल रहा है लेकिन मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन शहर की तमाम ही छोटी बड़ी बिरादरियां, हर बिरादरी, हर मसलक के ऊपर मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि इस मरतबा हर समाज, हर बिरादरी, हर मसलक की वोट इंशाल्लाह आपके उम्मीदवार शेख आसिफ को मिलेगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और तुम कितनी भी मेहनत कर लो, हम, मैं हूं, आप हो, हमारे बस में सिर्फ मेहनत करना है, जद्दोजहद करना है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला की तरफ से आता है, फैसला होता है, यह हमारा ईमान है। फिर चाहे तुम करोड़ों लगा दो, लाखों लगा दो, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोग तैयार हो ना, नहीं तो मैं यहां तकरीर कर रहा हूं सिर्फ। आप हो ना तैयार, कोई भी हालत में लड़ना है, शहर को बचा भेजना है। शुक्रिया, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। अभी मेरी तकरीर बाकी है, मेरी तकरीर बाकी है। मेरी बात हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, चाहे वो बहुत छोटा वर्कर हो, बड़ा हो, कॉर्पोरेटर हो, साबिक कॉर्पोरेटर हो, पदाधिकारी हो, पार्टी का जिम्मेदार हो, कोई भी शख्स हो, आज मुझसे नाराज मत होइए। आज मुझसे नाराज मत होइए, दुख होता है। 5 साल मैंने, मेरे परिवार ने आपको संभाला है, माफी के साथ बोल रहा हूं, 5 साल संभाला है। हमारे काम आगे पीछे करके हम वर्करों के लिए लड़ते हैं, जीते हैं। लेकिन ऐसे वक्तों के अंदर, इलेक्शन के वक्त अगर नाराज होंगे तो दुख होता है। आपको नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन इलेक्शन की पेटी बंद होकर आकर यहां बैठ जाना कि यह मसला है, हम तुमसे नाराज थे लेकिन कल नहीं बोले थे, आज बोल रहे, आना, तुम्हारी बात सर आंखों पर, तुम्हारी हर बात सुनूंगा, ठीक है, इंसान हूं, गलतियां हुई होगी, लेकिन इसका मतलब आप नाराज हो गए ऐसा नहीं। एक इंसान से ही गलती होती है, मैं माफी मांगता हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन यह वक्त नाराज होने का नहीं है। और मैं तमाम इच्छुक उम्मीदवार से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं माफी के साथ कि आप ये इलेक्शन आपका इलेक्शन समझ के लड़िए, आपका इलेक्शन समझ के लड़िए। जो भी ख्वाहिशमंद हो, आपको भी कमर कसना है। मैं कई लोगों के पास जाता हूं, कई लोगों को बोलता हूं खड़े रहो, ये काम करो, वो काम करो, लेकिन मेरे जाने के बाद मुझे वो नजर नहीं आ रहा है, वो काम नजर नहीं आ रहा है, माफी के साथ। आप ये इलेक्शन असेंबली आपका इलेक्शन समझ के लड़ो, कल आपका कॉरपोरेशन, मैं मेरा इलेक्शन समझ के लड़ूंगा। आज आप मुझे कामयाब करो, कल तुम्हारे लिए जान लगा दूंगा और तुमको कामयाब करने के रात दिन एक करूंगा, तन मन धन तुम्हारे लिए सब लगाऊंगा, मेरा परिवार लगाएगा। लेकिन आज आप धन मत लगाओ, लेकिन कम से कम आप अपना वक्त लगाओ, ये मेरी अपील है आप लोगों से। लेकिन ये बहुत
2-3 महीने बहुत अहमियत के, बहुत कम वक्त तो बचा है, अक्टूबर में चुनाव हो गए। सामने ताकत एक मजहबी शख्स है, फिर जज्बाती भी साथ में जुड़ जाता है, फिर जो पाखंड उनको करना पाखंड भी करते हैं, फिर भैया के लिए बहन वोट भी मांगती है। चालू हो गया, एक हो भी गया इस्तेमाल। अभी बोर्ड लग गए, 5 साल नहीं लगे, 1 रुपये में बोले आपका मेडिकल फ्री, ये ऑपरेशन फ्री करा देंगे, वो ऑपरेशन। 5 साल पहले से बोर्ड लगाते तो शहर अजमा लेता, 2 महीने में क्या अजमाएगा शहर। बोर्ड लगा के लोगों को बेवकूफ बनाने की मशीन, बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ समझ रहे हो शहर की आवाम को कि मेरे झांसे में आ जाएंगे। जो तुमने बोर्ड लगाए ना, उसका पोस्टमार्टम ये मानो समाचार के पास है, निकाल लगा। अन्नू फिडर नहीं निकाला तो मटेरियल बार, इतना बड़ा फ्रॉड था। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल मेरी बात याद नोट कर लो, मैं जो बात बोलता हूँ सच बोलता हूँ। इन्होंने शहर के उलमाओं से मदरसे के अंदर बच्चों को तालीम देने वाले हाफिजों से इमामों से, पता है आपको, बिजनेस के नाम पर 10,000 रुपया जमा किया था। 10,000 रुपया कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए 5 साल के अंदर 10,000 रुपये का? अगर आप एक गोली बिस्किट की दुकान भी लगाते थे वो, तो कम से कम 5 साल के अंदर 50,000 रुपया कम से कम कमाते थे। कितना मिला होगा प्रॉफिट? 41 रुपया, 41 रुपया, 41 रुपया तुम्हारा बच्चे का खर्च है जेब का रोजाना का। और उसमें से भी न तो मेरा जवाब देना, आधे लोग को पैसा अभी भी नहीं दिया गया, 10,000 रुपया उनका ले लिया गया, आज तक उनको हिसाब भी नहीं दिया गया, उनका पूरा पैसा नहीं दिया गया, इसका जवाब कौन देगा? तुम शहर को बेवकूफ समझते हो, तुम आलिमों को भी धोखा दिया, हाफिजों को भी तुमने धोखा दिया, इसका जवाब कौन देगा? तो जवाब देना पड़ेगा। अब शहर जवाब मांगेगा, हम जवाब मांगेंगे, हमारा एक एक कार्यकर्ता जवाब मांगेगा। और ये जिम्मेदार अब गली गली घूमेंगे, हिसाब मांगेंगे, जवाब देना पड़ेगा। इस शहर की आवाम से मैं बोलना चाहता हूं कि मैं आपके पास वोट मांगने के लिए आऊंगा, आपको याद करना होगा मेरे 5 साल एमएलएशिप कि मैंने क्या आपके लिए किया, आपके बच्चों के लिए मैंने क्या किया था। आपको याद करना होगा, आपके बच्चों को मैंने किताबें हाथ में दिया था, कलम हाथ में दिया था, लेकिन मुझे सिला क्या मिला? लेकिन मैं आ रहा हूं दोबारा आपसे वोट मांगने के लिए। अगर यह शहर को बर्बाद होने से बचाना है, हम वो कौम नहीं है जो बुजदिल हो, हम वो कौम नहीं है कि किसी के सामने झुक जाए, हम वो कौम नहीं है कि किसी की गुलामी करें हम। मैं आ रहा हूं आपसे वोट मांगने के लिए, आप मुझको एमएलए बनाकर असेंबली के अंदर भेजो। मैं बुनकर भाइयों से भी कहना चाहता हूं, हमने 1,98,000 वोट दिया, यह हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी मजबूरी थी कि हमको भाजप नहीं चाहिए था, ना आपको ना मुझको ना मुल्क के कोई मुसलमानों को भाजप नहीं चाहिए था, और हमने उसको घर बैठाने का काम किया, ये कम से कम हल्के से यह हम मान सकते हैं। हम मुबारकबाद शहर को, लेकिन शोभा बचाओ या बचाने के लिए शहर नहीं आएगी, नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो उसकी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन मरकज के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठी है, अभी से टोनिंग हो रही है, अभी ये सरकार ने हमको 1,98,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ये शहर को मशहूर कर दिया है,
198,000 बोला जा रहा है। अधिकारियों के कुछ टीचर मुझे मिले, जिला परिषद या शिक्षण अधिकारी विभाग में एक मीटिंग थी, एक अधिकारी ने कहा कि आपने 198,000 वोट दिया। बोले आपको तो बोले मैं देखूंगा अब शहर को, वो दम दे रहा है। तो ये शहर, ये नुमाइंदा, ये शहर बचाने के लिए आपको चुन कर देना है। अगर ये शहर को बचाना है, ये शहर का मुस्तकबिल अगर संवारना है, अगर यहाँ के सनत को बचाना है, यहाँ के एजुकेशन को बचाना है, यहाँ के गरीबों को बचाना है, इस शहर को बचाना है, तो आपको मैं साफ तौर पर बोल रहा हूँ, मुझको चुन कर दो। अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर। और अगर आपने जिम्मेदारी दी तो मेरी जान भी चले जाएगी, ये शहर के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा इंशाअल्लाह। एक मर्तबा मौका दो, एक मर्तबा। वहां पर अस्तीन चलाने वाला एमएलए चलेगा हाउस में, क्या बोल रहा हूं, अस्तीन खींचने वाला चलेगा, मच्छी बाजार में तो भागने वाला नहीं चलेगा, वाला नहीं चलेगा। मैं एकदम साफ अल्फाज में आज बोल रहा हूँ शहर की आवाम, एक मर्तबा अजमा लो, बढ़ जाऊंगा, एक मर्तबा मौका दो। दिए ना आपने मुफ्ती साहब को, 5 साल में क्या हासिल हुआ, आप खुद जायजा लो, आप खुद जायजा लो। अगर एक आदमी, एक शख्स अगर कामयाब एमएलए होता, अगर वो विकास करता, अगर वो डेवलप करता, तो वो विकास के नाम पर वोट मांगता, डेवलप के नाम पर वोट मांगता कि मैंने सनत के लिए किया मुझे वोट दो, मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए ये किया मुझे वोट दो। लेकिन वो शख्स किस नाम पर वोट मांग रहा है मैं मेरी जबान से बोलना नहीं चाहता। आपने यूट्यूब के ऊपर देखा है उनकी सोशल मीडिया की मीटिंग के अंदर उस आदमी ने किस बुनियाद पर वोट मांगा, इसका मतलब वो आदमी नाकाम हो चुका। और उनके साथ साथ जिम्मेदार 19 के अंदर जो उनके मंच ऊपर थे वो भी नाकाम हो गए। अगर समाजवादी पार्टी ये सोच रही होगी कि हमारा कुछ नहीं था, तो आप भी जिम्मेदार हो, आपके ऊपर मैनिफेस्टो पर आपका भी फोटो लगा था, उसका जवाब तुम कैसे दोगे, उसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाई को भी जवाब देना पड़ेगा, अमन चौक वाले को, वो कैसे जवाब देंगे। सब नाकामी की जिम्मेदार जिनका मैनिफेस्टो में फोटो था वो तमाम ही लोग नाकाम है, वो भी जिम्मेदार है। ये शहर को बर्बाद जो हो रहा है उसके जिम्मेदार ये सब लोग हैं। 25 साल का हिसाब समाजवादी वालों ने मांगना, वाह बहुत हो गया। अब तो असलम भाई तुम जवाब दे दो, मैं नहीं देता, मैं बराबरी वालों को देता जवाब, तुम जवाब दे दो। अरे वाडिया बन रहा देख लो, रोज कर मालूम है ना, मालूम है कि नहीं, बाहर से भी बेल लेना पड़ा, मालूम है ना। अब अगर कोई तीसरा चौथा जब आएगा तो उनका भी समाचार अपन जब लेंगे, आज छोड़ देते हैं। लेकिन मैं शहर के आवाम से, मेरी बहुत तड़प है, मैं बहुत तड़प से बोल रहा हूँ, शहर को बचा लो, शहर को बचा लो, अन्य तो ये शहर बर्बाद हो जाएगा। मैं तुमको साफ अल्फाज में बोल रहा हूँ, और बर्बाद हो चुका उसका 25 तारीख को बताऊँगा। मेरे बुनकर भाइयों से मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने कभी आपसे काम के नाम पर वोट नहीं मांगा, कम से कम मैंने साइजिंगों का काम किया उसी नाम पर वोट दे दो, कोई नहीं कर सकता था उनका, अल्लाह का करम है। कमिश्नर को भी कानून सिखाना और रास्ता बताना हम ही सिखाते हैं, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे तारीफ नहीं करता हूँ,
पूछ लो ना तो जितने बैठे हमारे सीनियर सब कॉर्पोरेटर, कौन सा काम अगर उसको नहीं समझ रहे तो बताता हूँ कि ये काम ऐसा कर ले हो जाएगा। तो साइजिंग वालों का काम बहुत टेढ़ा था। एनजीटी का, एनजीटी बोले तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल की कोर्ट है, लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह ने मुझसे काम लिया और सब साथ चल रहे थे ना, दिल्ली गए, बम्बई गए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, नासिक, मुंबई, सबका रिस्टार्ट निकाल के लाया उसी नाम पर जो। लेकिन मैं बोलता हूँ मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है, कुछ लोग नाराज़ है चलता है, कुछ लोग मुझे आगे से देख रहे तो कन्नी काट दे रहे वो भी दिखता मुझे, कुछ लोग सोच विचार में है यार अब भी आ जाएंगे वोट मांगने तो क्या जवाब देना, क्योंकि 5 साल उनके स्टेज पे थे, अब कैसे करना। ठीक है, मैं उम्मीदवार हूँ, वोट की भीख मांगने के लिए आऊँगा, तुम दो या मत दो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर सच्चाई और हक है तो सिर्फ शेख आसिफ पे बाज बोलना। तो तमाम ही चीज़ें मैं, मेरे वर्कर, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप बहुत जाबाज हो, मैं आपके लिए तकरीर कर रहा हूँ, आपको मटेरियल दे दिया मैंने मेरी तकरीर के अंदर, इतने पॉइंट दे दिया, बाकी रोक रोक के रहता हूँ, जाकर अपने अपने वार्ड के अंदर फैल जाओ, गलियों में फैल जाओ, मोहल्लों में फैल जाओ, और आप सोशल मीडिया के ऊपर हमसे मुकाबला करना चंद दिनों के बाद। और सोशल मीडिया पे डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ हराम खोर लोग अभी तक जातियात पर लिखना बंद नहीं करें, तो हम खामोश हैं तो इसका मतलब गलत मत लो, परंतु इलेक्शन बाद मिलना जो पुलिस स्टेशन की हद्दी में रहते हैं वहीं पर हम मुलाकात करेंगे। क्या अभी तक खामोश है तो इसका मतलब गलत मत लो, बुजदिल नहीं हम। तो आप लोग सब बात से मेरी सहमत है, जितनी तकरीर की एक एक बात यहां से निकलना, डटना है, इंशाअल्लाह असेंबली जीतना है तो फैल जाओ और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ये शहर को बचाने के लिए शेख आसिफ के साथ हूँ, हर साना बसाना खड़ा रहूंगा। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराज।